हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ICS कॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट के इस लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे डेटा माइनिंग पर, और लास्ट लेक्चर में हमने इसको फिनिश भी किया था। इस तरह से मैंने आपको डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट और डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दिया है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट यूनिट थी। डेटा वेयर हाउसिंग भी सेकेंड यूनिट है आपके कोर्स के हिसाब से, और डेटा माइनिंग जो थी वो आपकी थर्ड यूनिट है। ये जो यूनिट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये है आपका यूनिट वन, जिसका नाम है बिजनेस इंटेलिजेंस एंड बिजनेस डिसीजन। मैं इस यूनिट को बाद में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो इस तरीके से आई थिंक आप क्या कर सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब बेटर तरीके से आप समझ सकते हैं सारी चीजों को जो कि इससे बेस्ड होंगी, बिजनेस इंटेलिजेंस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, बिजनेस इंटेलिजेंस में यहाँ पे दो वर्ड है। एक है बिजनेस, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, यहाँ आप फैमिली और वर्ड से। इंटेलिजेंसी के बारे में मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। इंटेलिजेंसी इज एन एबिलिटी टू यूज नॉलेज, मतलब कि आपके पास नॉलेज को यूज करने की जो एबिलिटी होती है वही क्या होती है, इंटेलिजेंसी होती है। तो डेटा हो, इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज, इससे मतलब नहीं आप इंटेलिजेंट हो। अगर आपको उस नॉलेज, उस डेटा, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करने की एबिलिटी होगी तो हम बोलेंगे आपके पास क्या है, इंटेलिजेंसी। क्लियर है? तो बिजनेस में अगर आप बिजनेस में क्या करते हो, अपने सारे डेटा को कहाँ पे, किस प्लेस पे, मतलब राइट प्लेस पे, एक बात यहाँ पे होती है। तो आप बोल सकते हो कि राइट इन्फॉर्मेशन को राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे क्या करना है, यूज करना है। किस इन्फॉर्मेशन को किस टाइम पे कहाँ पे यूज करना है, ठीक है, यही क्या है आपका बिजनेस इंटेलिजेंसी। तो जो ये करता है वो इंटेलिजेंसी, वही क्या इंटेलिजेंट है। तो अगर बिजनेस में आप ऐसा कर रहे हो तो इसी हम सिस्टम को क्या बोलते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस। तो दरअसल यहाँ पे है क्या, बिजनेस इंटेलिजेंस जो है एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल्स है, एक कलेक्शन ऑफ टूल्स बोल सकते हैं, एक एप्लीकेशन है जो क्या करता है, ये सारे वर्क को परफॉर्म करता है। तो बिजनेस में जितने भी डिसीजन लेने होते हैं, बिजनेस में जितने भी हमको बिजनेस को एनहेंस करने के लिए जितने भी बोल सकते हैं आप कदम उठाने पड़ते हैं, वो सारे वर्क यहाँ पे कौन करता है, बिजनेस इंटेलिजेंस करता है। आज जैसे आप ऑफलाइन बिजनेस है आपका, एक छोटी सी शॉप, चलो शॉप ले लो, छोटी सी शॉप, मैं यहाँ पे सिंपल से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई मैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी सी शॉप है। तो आपके पास चलिए एक मान लेते हैं जनरल स्टोर है। अब जनरल स्टोर पे कब क्या कौन सी चीजें आपको कहाँ से लेके आनी है, किसी भी होलसेलर से, और साथ ही उसको क्या करना है, कब कौन क्या फिनिश हो रहा है, किसको कब मैनेज करना है, कहीं ना कहीं ये डिसीजन ले रहे हो ना आप। तो आप क्या हो गए, आप क्या हो गए, बिजनेस इंटेलिजेंस हो गए। ऐसे यहाँ पर हमको एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा डेटा होगा, उसको हमें क्या करना है वहाँ पे मैनेज करना है कि कब किसको कौन सा डेटा कहाँ पर क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो कहीं ना कहीं जिसके थ्रू हमारा बिजनेस क्या इम्प्रूव हो, इन्हेंस हो, तो वो सॉफ्टवेयर या वो टर्म क्या कहलाता है, बिजनेस इंटेलिजेंस कहलाता है। तो क्लियर है यहाँ तक आई थिंक। पहले मैं डेफिनेशन को वन बाय वन करके क्या कर रहा हूँ, पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद आप, क्योंकि आपको ये टर्म से आप फैमिलियर इन सारे टर्म से आपको ऑलरेडी बताया भी जा चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने के बाद में क्या कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर कर दे रहा हूँ कि व्हाट इज द नीड ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंसी एंड व्हाट इज द बिजनेस इंटेलिजेंसी। तो देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, बिजनेस इंटेलिजेंसी रिफर्स टू अ वेराइटी ऑफ सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन यूज टू एनालाइज एन ऑर्गेनाइजेशन रॉ डेटा लाइक सेल्स, रेवेन्यू, प्रोडक्ट, कास्ट एंड इनकम। कहने का मतलब ये हुआ, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है, एक देखा जाए तो वेराइटी ऑफ सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन है जो यूज होता है एनालाइज करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रॉ डेटा को, मतलब रॉ डेटा को एनालाइज कर हम लोग क्या करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, उसके बिहाफ पे जो हमको रिजल्ट चाहिए होता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जैसे सेल का किसी भी, मतलब किसी भी टाइप का डेटा हो, रॉ डेटा हो, अगर उसको हमें एनालाइज करना है तो हमें वो कौन करता है, बिजनेस इंटेलिजेंस करता है। अब सारे टर्म को समझिएगा यहाँ पे, बिजनेस इंटेलिजेंस इज अ डिसिप्लिन इज मेड अप ऑफ सेवरल रिलेटेड एक्टिविटी इंक्लूडिंग डेटा माइनिंग। मतलब कहने का मतलब एक पैकेज है बिजनेस इंटेलिजेंस, क्या एक पैकेज है जो डेटा माइनिंग भी करता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, वही डेटा वेयर हाउसिंग, मतलब अंदर डेटा को स्टोर करने का काम, वहाँ डेटा को निकालने का काम, क्वेरिंग, डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम, विजुलाइज करने का काम, आउटपुट दिखाने का काम, सारा काम कौन करता है, बिजनेस इंटेलिजेंस करता है। देखिए, मैं बार बार एग्जांपल लेता हूँ, माइनिंग में मैंने बताया था, किसी शॉपिंग साइट से एग्जांपल लिया था, वेयर हाउसिंग शॉपिंग साइट से एग्जांपल लिया था, यहाँ मैं भी शॉपिंग साइट से एग्जांपल ले सकता हूँ क्योंकि वो डेटा माइनिंग एक टर्म था, समझ लीजिए। अब क्या समझेंगे, डेटा माइनिंग एक टर्म था, डेटा वेयर हाउसिंग क्या था, एक टर्म था, लेकिन सबको मिला करके रिपोर्टिंग, क्वेरिंग, ये सब क्या है, सब एक टर्म, सबको मिला करके जो वर्क होता है, जो वर्क परफॉर्म होता है
होता है वो सॉफ्टवेयर, वो पैकेज क्या कहलाता है? बिजनेस इंटेलिजेंस कहलाता है। तो क्लियर होगा आई थिंक इंटेलिजेंस क्या होता है। तो अभी तक आप जो पढ़े थे उन सबको हम लोग इकट्ठा कर, जैसे आप बताए डेटा वेयरहाउसिंग क्यों पढ़ रहे थे, डेटा को स्टोर करने के लिए, माइनिंग क्यों पढ़ रहे थे, डिफरेंट तरीके डेटा को वहां से निकालने के लिए, तो रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हो, आपको आउटपुट क्या करना शो करना, ये सबको जब एक पैकेज में क्या करते हो आप इनबिल्ट करते हो और उससे उसको परफॉर्म करवाते हो, तो वो क्या कहलाता है? बिजनेस इंटेलिजेंस कहलाता है। तो कंपनी इज यूजेज बिजनेस इंटेलिजेंस टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, कट कास्ट एंड अनफाइंड न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सिंपल सी बात है, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करना, मतलब ऐसा डिसीजन लें जो बेस्ट हो, हमेशा हमारा बिजनेस क्या करे, इनहेंस करे। कट कास्ट, कास्ट भी क्या हो, कम हो, बहुत ज्यादा कास्ट लगे, और नए नए बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज हो हमको क्या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कंपनी क्या यूज करती है, बिजनेस इंटेलिजेंस को यूज करती है। अभी मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, जैसे इन्फॉर्मेटिका का नाम सुना होगा, टेबल्यू का नाम सुना होगा आपने, तो जो टेबल्यू है, इन्फॉर्मेटिका है या MSBI है, ये सारे क्या है आपके पास बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स हैं जिनका यूज कंपनीज करती हैं अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, फिर इन्हेंस करने के लिए। जैसे यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, BI टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करेंट हिस्टोरिकल एंड प्रोडक्टिव व्यू ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर डेटा फॉर प्रोडक्ट एंड डेटा डिपार्टमेंट बाय एस्टेब्लिशिंग मोर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। बात यहाँ पे फिर भी वही है, देखिए बोला गया है जो टेक्नोलॉजीज है BI की वो प्रोवाइड करती है, करेंट डेटा हो, हिस्टोरिकल डेटा हो, प्रोडक्टिव डेटा, मतलब किसी भी टाइप का जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड करती हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं या इफेक्टिव डिसीजन बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बिजनेस इंटेलिजेंस है क्या। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसे समझिएगा क्या, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम बिजनेस में जो भी डिसीजन लेना हो उसको ले सकें, डेटा को स्टोर करना स्टोर करा सकें, या जो भी वर्क करना हो कर सकें। देखिए एक दो पॉइंट और यहाँ पे देखिए, उस पर और क्लियर होगा, फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। द टर्म बिजनेस इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट द टूल्स एंड सिस्टम, वही बात है, टूल्स उस पर ढेर सारे टूल्स होंगे, सिस्टम दैट प्ले अ की रोल इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी टाइप की आपको प्लानिंग करनी है किसके बारे में के बारे में, तो वहाँ पे जो आपको टूल्स या सिस्टम जो ये बोल सकते हैं जो बिजनेस इंटेलिजेंस होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब इसी के थ्रू आप सारा डिसीजन लेते हैं। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं क्या करते हैं, अलाउ टू कंपनी गैदर, इकट्ठा करना डेटा को, स्टोर करना, एक्सेस करना, एनालाइज कारपोरेट डेटा टू आइडेंटिफाई डिसीजन मेकिंग। क्लियर, मतलब देखिए कहीं ना कहीं चारों पांचों पॉइंट में एक ही चीज या डिफरेंट तरीके से बोली गई, इसके लिए आपका जो कॉन्सेप्ट होगा थोड़ा और क्या होगा, इंप्रूव होगा, इनहेंस होगा, ठीक है। इसलिए मैंने इतने सारे पॉइंट आपको लिखा है, इन सबका मतलब कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, पूरा का पूरा घूम रहा है यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे देखिए बात करा था कुछ BI मॉडल जो आजकल यूज हो रहे हैं, टेबल्यू ये कोई कंपनी है जो जिसे कोई आपके पास बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, फेसबुक है, इनका जो ये कस्टमर बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर बोल सकते हो आप मतलब कौन से कस्टमर ने कहाँ से किस सिटी से कितना सामान या किस प्रोडक्ट को खरीद रहा है ज़्यादा, तो उसको आइडेंटिफाई करना, या साथ ही साथ इसके हेल्प से आपको ईयर बाय ईयर किसी भी तरीके का डिसीजन लेना अपने बिजनेस के बारे में, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पॉसिबल होगा ये किसके थ्रू होगा, किसी न किसी बिजनेस टूल के थ्रू होगा। और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल जो आपके पास यहाँ पे कुछ, मैं मॉडर्न की बात कर रहा हूँ, टेबल्यू जैसे आपका हो गया ये बहुत यूज हो रहा है, इन्फॉर्मेटिका हो गया, MSBI होगा, माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, IBM कॉग्नस हो गया, पावर BI हो गया, तो कहीं ये सारे के सारे टूल्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आपको भी कोई अगर लार्ज स्केल की कंपनी है, स्मॉल स्केल की कंपनी, कोई भी अगर कंपनी आप ओपन करते हो, तो आपको डिसीजन लेने के लिए इन सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो वही बोला यहाँ पे गया है कि राइट इन्फॉर्मेशन को राइट टाइम राइट फॉर्मेट में क्या करना है, आपको यूज करना है। अगर आपको हम जैसे राइट इन्फॉर्मेशन मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, या राइट इन्फॉर्मेशन को राइट टाइम पे राइट फॉर्मेट में राइट प्लेस पे क्या करना है, यूज करना है, तो काम कौन करता है, बिजनेस इंटेलिजेंस करता है, जिसके थ्रू आपकी कंपनी क्या होगी, हमेशा बेटर होगी। कंपनी को बेटर बनाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, बिजनेस इंटेलिजेंस की। अब आपको क्लियर हो चुका होगा, आप ऐसे ओवरऑल समझ सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी टाइप की अगर आपको, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है तो सिंपल सी बात है आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे होनी है। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल यहाँ पे ये है, मैं किसी, चलिए आप क्या करते हो, आप शॉपिंग करते हो, मान लेते हैं आपके पास कोई आसपास कोई फेमस शॉपिंग मॉल है, आप वहाँ शॉपिंग करने गए, अब शॉपिंग करने जाते हो, सिंपल सी बात है, कोई एक प्रोडक्ट तो लेके नहीं आते हो, मान लें माल लिया आपने 10-15, चलिए 10 प्रोडक्ट आपने लिया, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट लिया आपने, 10 प्रोडक्ट खरीदा, और आप बिलिंग काउंटर पे गए, वहाँ पे क्या करें आपने बिलिंग करवाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ मेरा बस एनालिसिस करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने क्या किया, 10 प्रोडक्ट यहाँ पे खरीदा, जब भी शॉपिंग मॉल में आप गए, तो उस शॉपिंग मॉल, फेमस शॉपिंग मॉल, मैंने पहले बताया, उस शॉपिंग मॉल में टोटल कितने कस्टमर्स मान लेते आते हैं, एक दिन में कितने कस्टमर्स आते हैं, 500 कस्टमर्स आते हैं।
तो टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए, कितने प्रोडक्ट टोटल हो गए यहाँ पे देखा जाए तो 5,000, कितने प्रोडक्ट हो गए आपके 5,000। तो एक दिन में कितने प्रोडक्ट यहाँ पे सेलिंग हो रही है 5,000 की। तो अगर इसके बेस पे मैनेजर्स को डिसीजन लेना हो तो मैं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। एक्सेल शीट में क्या करेगा, सारे जो भी आपके वहाँ पे राइट होंगे, नोट होंगे एक्सेल शीट में सारे प्रोडक्ट, उनको क्या करेगा, टिक एंड टिक करेगा कि हाँ इतने प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या हो चुके हैं, सेल हो चुके हैं। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बिहाफ पे कि चलिए यहाँ पे ये तो कितने कितने, मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, कितने की बात कर रहा हूँ, एक दिन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक दिन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ तो कितने प्रोडक्ट आपके सेल हुई, 5,000। तो अगर मैं बात यहाँ पे करूँ कि पूरे मंथ की बात करूँ, किसकी बात करूँ, पूरे मंथ की बात करूँ, पूरे मंथ का मतलब मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 30 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, 30 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,50,000, 1,50,000 क्या हो, कितने प्रोडक्ट हो गए, 1,50,000 क्या हो गए प्रोडक्ट हो गए। ये क्या है, वन मंथ का है। तो वन मंथ में इतने, सॉरी 50,000, तो वन मंथ में आपके इतने प्रोडक्ट क्या हो गए सेल हो गए। अब भी एक बार अगर बहुत मेहनत करेगा मैनेजर साहब का तो क्या कर सकता है, कौन से प्रोडक्ट की सेलिंग कहाँ पे किस प्लेस पे हुई है उन सबको भी थोड़ा टीम के साथ क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। लेकिन अगर मैं कहूँ आप ब्रांच, अब बड़ी सी कंपनी है, लार्ज स्केल की कंपनी है, तो उसके कई ब्रांचेस होंगे, उसके पास मान लेते हैं 10 ब्रांच है, कितने ब्रांच है, 10 ब्रांच। अब कितना हो गया, 15 लाख प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट हो गए, 15 लाख। एक महीने की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप एनालिसिस करते हो सालों, मतलब कई 12 मंथ का भी कर सकते हो, यहाँ पे अक्सर करते ही हो, यहाँ पे कितना हो गया आपका, 15 लाख हो गया, कितना हो गया, 15 लाख हो गया। तो अगर ये 15 लाख हो गया तो अब आप सोचो इसको एनालिसिस करना मेरे लिए बहुत ही क्या डिफिकल्ट वर्क है। तो अब यहाँ से रिक्वायरमेंट किसकी पड़ती है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स की। तो अब इन्फॉर्मेटिका होगा, टेवली होगा, MSBI कोई भी होगा, इसको क्या करेगा, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपको सबको निकाल के दे देगा। तो अब यहाँ पे ह्यूमन मैन पावर बिल्कुल क्या होगी, कम होगी, मैन पावर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये बिजनेस BI टूल्स क्या करेंगे, आपको जो भी चाहिए होगा रिजल्ट पार्ट करके दे देंगे। और ध्यान रखिएगा जो BI टूल्स होते हैं वो प्रीवियस डेटा पे वर्क करते हैं, मतलब अगर आपकी कंपनी का ग्रो 10 सालों से अच्छा हो रहा है 10 साल के बेस पे ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, अगर 5 सालों से अच्छा हो रहा है तो 5 ईयर्स के बेसिस पे ही आपको आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आई थिंक एक मैं टाइम थोड़ा जरूर यहाँ पे लिया हुआ है, बट आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि बिजनेस इंटेलिजेंस होता क्या है, क्योंकि आगे मैं जितने ऐसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ूंगा बताऊंगा आपको, सॉरी पढ़ाऊंगा आपको या बताऊंगा, वो उसमें समझने में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेना आप इसका, अभी आए वीडियो को पॉज करके आप रिवाइज कर लो किसका, एक बार डेटा माइनिंग का, एक बार किसका डेटा वेयर हाउसिंग का, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा इस चीज़ को समझना, क्योंकि जो आर्किटेक्चर है, जो वर्किंग है, वो सारा का सारा किस पे बेस्ड है, डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउसिंग पे ही बेस्ड है। देखिएगा फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे मैं आर्किटेक्चर की बात दरअसल कर रहा हूँ कि क्या आर्किटेक्चर है, तो कुछ नया यहाँ पे नहीं आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप डेटा वेयर हाउसिंग का 3D आर्किटेक्चर पढ़ चुके हैं, एक बार आपको रिवाइज भी कर लेना वहाँ पे, तो वही सब कुछ मैंने यहाँ पे क्या किया, इंप्लीमेंट किया हुआ है। पहले इसको देख लेते हैं, पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है। बिजनेस इंटेलिजेंस कवर्स अ रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इनमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टूल्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पे, या एप्लीकेशन का कलेक्शन होते हैं, टू मैनेज द इंटायर डेटा लाइफ साइकिल फ्रॉम एक्विजिशन टू स्टोरेज, ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, एनालिसिस, मॉनिटरिंग, रिप्रेजेंटेशन एंड, कहने का मतलब जो पूरा का पूरा आपका प्रोसेस है, ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस का मतलब यहाँ पे है कि डेटा कहाँ से आप क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो, कहाँ से आप निकाल रहे हो, इनिशियल स्टेट से लेके स्टोरेज, कहाँ स्टोर कर रहे हो डेटा को, ट्रांसफॉर्म करना, इंटीग्रेट करना, एनालिसिस करना, मॉनिटरिंग करना, जो मैंने वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताया गया था, रिप्रेजेंट करना, ये सारी जो चीज़ें आपके पास हैं, ये जो आप कर रहे हो, ठीक है, डेटा को मैनेज करने के लिए, तो पूरी डेटा लाइफ साइकिल में, तो वो कौन करता है, बिजनेस इंटेलिजेंस करता है, इन सारी चीज़ को कवर करता है। तो यहाँ पे कोई सिंगल फ्रेमवर्क नहीं है, देर इज नो सिंगल BI फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूट, इट रेंजेज फ्रॉम हाईली इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन फ्रॉम अ सिंगल वेंडर टू अ लूजली इंटीग्रेटेड मल्टी, कहने मतलब ये होगा जिस टाइप का आपका क्या इन्वायरमेंट होगा, सॉरी जिस टाइप का बिजनेस इन्वायरमेंट होगा, या फिर जिस टाइप का आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा छोटा बड़ा, उसके हिसाब से आप फ्रेमवर्क क्या करते रहते हो, चेंज करते रहते हो, आपका वहाँ पे जो वर्किंग हो क्या होती रहती है, वहाँ पे चेंज होती रहती है कहीं ना कहीं। तो इसको हम बोल सकते हैं कोई एक सिंगल सा फ्रेमवर्क यहाँ पे नहीं, यहाँ एक मैं जनरल व्यू आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जनरल व्यू देखिएगा ये, और इसको आपने वहाँ पे आई थिंक देखा हुआ था, जो आपका आर्किटेक्चर था 3D आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउस था। तो यहाँ पे देखिए कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैंने इमेज वगैरह को ध्यान नहीं दिया उस वक्त, तो
यहाँ कर दिया हूँ तो फिलहाल समझ लीजिएगा यहाँ पे क्या है, मैं बता दे रहा हूँ, आप चाहें तो वहाँ पे साइड में अपने कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑपरेशनल डेटा, ये क्या लिखा हुआ, ऑपरेशनल डेटा। ऑपरेशनल डेटा का मतलब जो आपका जो ऑपरेशनल डेटाबेस था, एक्सटर्नल सोर्सेस था, क्लियर वहाँ पे, तो याद होगा आपको। आप एक बार 3D आर्किटेक्चर को भी साइड में ओपन करके रख लीजिए, तो वहाँ मैंने साथ दिखाया था कि ऑपरेशनल डेटा का मतलब होता है जो डेटा कहाँ से आता है, ऑपरेशनल डेटाबेस से आता है या फिर एक्सटर्नल सोर्सेस से आता है या किसी भी वेबसाइट्स वगैरह से आता है, तो उसको उसको हम ETL प्रोसेस के थ्रू, याद होगा आपको, एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग, एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग, ये BI है पूरा का पूरा। अब पूरा मतलब देखिए, अगर डेटा माइनिंग सब कुछ यहाँ पे यूज होगा, तो ETL प्रोसेस के थ्रू लोग हम उसको क्या करते हैं, यहाँ से डेटा को निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसमें चेंजिंग करना होता है, वो सब पीछे बताया गया आपको कि फॉर्मेट्स के, डेटा वेयर हाउस के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसमें चेंज करते हैं, फिर लोड करते हैं, क्लियर है यहाँ पे। तो अगर ऑपरेशनल डेटा से, ऑपरेशनल डेटाबेस से, एक्सटर्नल सोर्सेज से रॉ डेटा को अगर आपको डेटा वेयर हाउस में स्टोर करना है, तो आप किस प्रोसेस का यूज करते हो, ETL प्रोसेस का, क्लियर, सिंपली स्टोर नहीं होता। इसके बाद यहाँ बोला गया था कि ये क्या है, डेटा वेयर हाउस, तो बनता है तो डेटा कहाँ जाके स्टोर होता है, डेटा वेयर हाउस में स्टोर होता है। अब डेटा वेयर हाउस में अगर आप डेटा क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग भी करना चाहते हो, तो आप क्या बनाते हो, डेटा मार्ट बनाते हो। क्या बनाते हो, डेटा मार्ट, सबका डिस्कशन प्रीवियस क्लासेस में हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको याद होगा OLAP सर्वर था, क्या था, 2 टीयर में, टॉप टीयर में, सॉरी Tier 2 में गया था आपका OLAP सर्वर था। उसके थ्रू यहाँ क्वेरी टूल्स, वहां भी क्वेरी था आपका, रिपोर्टिंग टूल्स था, डेटा माइनिंग था, डेटा विजुलाइज, मतलब ये सारे सारे रिजल्ट्स हैं, क्या है आपके रिजल्ट्स हैं, जो आपको याद होगा टॉप टीयर पे मैंने वहां पे दिखाया हुआ था। तो किसी टाइप की रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्ट चीज को, मतलब आउटपुट वाला जो वर्क आपका यहाँ पे है, जो भी आउटपुट वाला वर्क है, ये आपका मतलब इस प्लेस पे आ जाएगा। डेटा विजुलाइज कैसे हो रहा है, बार ग्राफ के रूप में, किसी भी तरीके से, जैसे बार ग्राफ के रूप में, टेबल के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपको यहाँ पे आउटपुट को रिप्रेजेंट करना है। तो आजकल आप देखते होंगे आपका सारा रिजल्ट भी किस फॉर्म में आता है, बार ग्राफ के फॉर्म में आता है, मतलब विजुअलाइज होता रहता है, क्योंकि विजुअल चीज हमको जल्दी समझ में आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोसेस हो किसका है, बिजनेस इंटेलिजेंस का है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो यहाँ पे ओवरऑल कि डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, OLAP यूज ही हो रहा है, एनालिटिकल प्रोसेसिंग, इसके साथ ही साथ, तो पूरा वही क्या है, 3D आर्किटेक्चर ही, कुछ यहाँ पे नया नहीं है। तो ये जो पैकेज पूरा का पूरा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, बिजनेस इंटेलिजेंस कहलाएगा। तो इतने कॉन्सेप्ट से तो क्लियर हो चुका होगा कि, क्योंकि मैं जो अभी प्रीवियस स्लाइड थी ना, जिसमें मैंने एग्जाम्पल्स वगैरह जहाँ तक लिया था, वहाँ तक आपको पूरा समझा ही दिया हूँ कि बिजनेस इंटेलिजेंस होता क्या है। देखिए कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, यही जो कंपोनेंट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, कुछ अलग यहाँ पे नया नहीं है। अब कंपोनेंट के यूज होने का मतलब, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, कंपोनेंट का यूज होने का मतलब, जैसे पहले डेटा एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, अब लिखना है एग्जाम के लिए, आपको लिया लिखवा रहा हूँ ये सारी चीजें, भी आपको बहुत कई बार बताई जा चुकी हैं कि अगर आपको एक आर्किटेक्चर आएगा जिसके बारे में, तो आप लिख ही सकते हैं वहाँ पे। तो जैसे कंपोनेंट की बात अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो डेटा एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ETL जो टूल्स है वो एक कंपोनेंट है। तो दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सट्रैक्ट, फिल्टर एंड इंटीग्रेट द डेटा टू बी सेव्ड इन टू अ डेटा स्टोर, ऑप्टिमाइज्ड फॉर डिसीजन सपोर्ट का मतलब, एक डेटा स्टोर का मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, डेटा स्टोर का मतलब जहां पर आप क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्टेड डेटा को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, मतलब ऑपरेशनल डेटाबेस से जो डेटा वेयर हाउस में आप स्टोर कर रहे हो, तो डेटा वेयर हाउस या डेटा मार्ट वहां पे क्या कहलाएगा, डेटा स्टोर कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, डेटा स्टोर का मतलब है जो आप डिसीजन लेने के लिए डेटा को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। डेटा स्टोर का मतलब है जो आप फिल्टर डेटा को या रॉ डेटा को रिफाइन करके जहाँ स्टोर कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा, डेटा स्टोर कहलाएगा। तो डेटा स्टोर क्या हो सकता है, या तो डेटा वेयर हाउस हो सकता है या डेटा मार्ट भी हो सकता है। वही दूसरा आपका यहाँ पे कंपोनेंट डेटा स्टोरी में लेके आया हूँ, तो दरअसल द डेटा स्टोर इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर डिसीजन सपोर्ट, क्लियर। तो डिसीजन जहाँ से लेना होगा आपको, जहाँ से माइन करना डेटा को, इसके क्या कहलाएगा, डेटा स्टोर का। एंड इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट, क्लियर। वही बात, द डेटा स्टोर कंटेन्स बिजनेस डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑपरेशनल डेटाबेस, क्लियर। जो डेटा ऑपरेशन डेटाबेस एक्सट्रैक्ट किया हुआ है या किसी एक्सटर्नल सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, वो जहां पे स्टोर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा स्टोर बोलते हैं। तो आई थिंक यहां तक तो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद डेटा क्वेरी एंड एनालिसिस टूल्स, ये भी आप देख लो यहाँ पे, दिस कंपोनेंट परफॉर्म्स डेटा रिट्रीवल, डेटा एनालिसिस एंड डेटा माइनिंग टास्क यूजिंग द डेटा इन डेटा स्टोर एंड बिजनेस डेटा एनालिसिस मॉडल। कहने का मतलब, जो डेटा स्टोर में, जो डेटा वेयर हाउस में या डेटा मार्ट में डेटा स्टोर है, उस पर अगर आपको डेटा माइनिंग टास्क प्रोवाइड करना है, डेटा को एनालिसिस करना है, डेटा को रिट्रीव करना है वहां से, तो कौन से टूल यूज होंगे, डेटा क्वेरी, डेटा एनालिसिस। याद होगा आपको डेटा, जैसे एसोसिएशन करना हो, समराइजेशन करना हो, मतलब वो सारी जो टास्क परफॉर्म करना हो, ये सब कौन करते हैं, डेटा एनालिसिस और डेटा क्वेरी टूल्स करते हैं। तो क्लियर होगा, बहुत सब कुछ यहाँ पे आपको बताया गया है। दिस कंपोनेंट यूज्ड बाय द डेटा एनालिस्ट टू क्रिएट द क्वेरी दैट एक्सेस डेटाबेस,
आपको क्विक डिसीजन वगैरह लेना हो तो जल्दी से क्या करना है आपको वहां पे, क्वेरी क्रिएट करनी हो या फिर किसी भी टाइप एनालिसिस करनी हो। मेरा कहने का मतलब डेटा वेयर हाउस में जो आप समराइजेशन करते थे, प्रेडिक्शन करते थे, वहां आप क्लासिफिकेशन करते थे, ये सारे टास्क कौन करता है? डेटा एनालिसिस टूल्स करते हैं। लास्ट में आउटपुट जनरेट करने के लिए डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड विजुलाइजेशन टूल, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द डेटा टू एंड यूजर। एंड यूजर मतलब जो आपको फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, इन वैरायटी जब मतलब डिफरेंट तरीके से आपको आउटपुट क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है एंड यूजर के सामने। दिस टूल हेल्प्स एंड यूजर टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट। क्लियर, पाई चार्ट हो गया आपके पास, बार ग्राफ हो गया, जैसे समरी रिपोर्ट मैप के फॉर्म में हो या पाई या बार ग्राफ के फॉर्म में हो। दिस क्वेरी टूल एंड प्रेजेंटेशन टूल आर फ्रंट एंड टू द बीआई एनवायरमेंट, मतलब फ्रंट एंड टूल्स हैं ओवरऑल कहने का मतलब। वो जो आउटपुट आपका जनरेट हो रहा है, जो मैंने टेबल के फॉर्म में दिखाया था, बार ग्राफ के फॉर्म में दिखाया था, पाई चार्ट के फॉर्म में आपको दिखाया था हमारे आर्किटेक्चर में, वो सब क्या आपके पास है यहाँ पे इस टूल्स के थ्रू, वो सारे चीज़ें क्या होती हैं, रिप्रेजेंट होती हैं। क्लियर है यहाँ तक आई थिंक? तो अगर कोई प्रॉब्लम इसके अलावा भी रह जाती है, किसी भी टाइप कोई प्रॉब्लम, मैं आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ किसके बारे में, बिजनेस इंटेलिजेंस के वर्किंग के बारे में या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं इन सब के बारे में, बट आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ यहाँ पे। तो एक बार अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होती है तो क्या करिए, वीडियो को रिवाइज करिए, बीच में पास करके समझिए चीज़ों को, क्योंकि मेन जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे जो भी वर्ड है, यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये रिटर्न स्टेटमेंट है, ये तो आपको बाहर हर जगह पे मिल जाएंगे। मैंने ज्यादातर क्या किया, वो आपकी बुक से ही यहाँ पे कंटेंट को लिया हुआ है ज्यादा, आपकी बुक से, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या करना है, आप टोटल फोकस इस पे करना है, आपको अपने एग्जाम पे करना है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।